उन तीन लड़कों की छेड़खानी से परेशान होने के बजाय लड़की अपना स्कार्फ उतारती है और उसे अपनी कमर पर बांध लेती है। वो उसका एक सिरा एक मंचले की ओर फेंक देती है और खुद को ट्रेन से बाहर लटकाकर हवा खाने लगती है। उसका पागलपन देखकर वो तीनों मंचले न केवल स्कार्फ को खींचकर उसे बचाते हैं बल्कि वो इतना डर गए थे कि तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गए। इस लड़की का नाम प्रेरणा है। इसी ट्रेन में विक्रम नाम का एक लड़का चढ़ता है और उसे पहली नजर में ही प्रेरणा से प्यार हो जाता है। अब एक बार फिर प्रेरणा अपने स्कार्फ का एक सिरा उसकी तरफ उछालती है और अपनी आंखें बंद करके पीछे की ओर गिरने लगती है। विक्रम तुरंत उसका स्कार्फ अपनी कलाई में लपेटता है और एक पोल की मदद से खुद को लटकाकर प्रेरणा के ठीक सामने ले आता है। वो अपनी आंखें खोलती है तो विक्रम को सामने पाती है। वो देखती है कि एक पोल आकर उनसे टकराने वाला है। वो जल्दी से उसे अंदर खींच लेती है और किसी बंदे ने उसके साथ ऐसे फ्लर्ट करने की हिम्मत नहीं की और जो उसके लिए बावरा हुआ जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो उससे उसका नाम पूछ पाता वो लोगों की भीड़ में खो जाती है। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होता। एक दिन प्रेरणा प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई दीवार पर एक उदास चेहरा बना देती है और उसके जाने के बाद विक्रम उसी सीट पर आकर बैठता है और दीवार पर बना उदास चेहरा देखता है। वो उसे बदल कर एक हंसती हुई छोटी बच्ची में बदल देता है। अगले दिन प्रेरणा तस्वीर में बदलाव को देखती है। वो जिज्ञासावश आगे एक क्वेश्चन मार्क बना देती है। अब विक्रम क्वेश्चन मार्क को एक लड़के में बदल देता है। इस तरह एक के बाद एक ये पेंटिंग पूरी होती चली जाती है और दो अनजान लोग इस तरह एक दूसरे से संपर्क करते हैं। वो दोनों ये सोच रहे थे कि अगला किस तरह का इंसान होगा। अब उसे मिलने के लिए विक्रम वहाँ कल 12 बजे लिखकर चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब प्रेरणा वहाँ पहुँचती है वो देखती है कि उस पेंटिंग को एक पेंटर ने पेंट कर दिया है। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से मिलने का मौका एक बार फिर से खो देते हैं। लेकिन प्रेरणा नहीं जानती थी कि विक्रम एक वर्ल्ड फेमस हस्तरेखा एक्सपर्ट है और वो लोगों का हाथ देखते ही उनके भविष्य का पता लगा लेता है। विक्रम एक अमीर आदमी का हाथ देखता है और वो उसे ये साफ साफ बता देता है कि उसका राजनीति में कोई भविष्य नहीं है बल्कि उसे अपने बिजनेस पर ही पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन बिजनेसमैन उससे खफा होकर अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देता है जिनसे बचते हुए वो लगभग मर ही गया था। लेकिन भाग्यवश वो सही समय पर एक हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है जहां उसकी मुलाकात प्रेरणा से होती है जो वहां पर एक डॉक्टर है। इसके बाद विक्रम पूरा दिन बस प्रेरणा के साथ ही चिपका रहता है। प्रेरणा के दिल में विक्रम के लिए अंदर ही अंदर फीलिंग्स आने लगती है। ये जानकर के प्रेरणा काम के सिलसिले में बाहर जा रही है विक्रम 300 किलोमीटर बाइक चलाकर उससे पहले वहां पहुंच जाता है और जब प्रेरणा उसे बारिश में भीगते हुए उसका इंतजार करते हुए देखती है वो उसे अपना दिल दे बैठती है और बारिश की परवाह किए बगैर उसकी बाइक पर जाकर बैठ जाती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि अभी आगे उसकी जिंदगी में क्या उथल पुथल आने वाली है। अब वो विक्रम के साथ एक ट्रेन में जा रही थी तभी विक्रम की एक फेमस पाल्मिस्ट होने की बात वहां उजागर हो जाती है और सारे पैसेंजर्स उसे अपना हाथ दिखाने के लिए आगे बढ़ाने लगते हैं। विक्रम परेशान होकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रेन से नीचे उतर जाता है। लेकिन ट्रेन से नीचे उतरते ही वो एकदम से परेशान सा होकर खड़ा रह जाता है। वो पिछला दृश्य याद करता है और देखता है कि उस ट्रेन में बैठे हुए हर व्यक्ति की जीवन रेखा आधी कटी हुई थी जिससे उसे एहसास होता है कि इस ट्रेन की बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। वो तेजी से दौड़कर ट्रेन को रोकने जाता है लेकिन उसके सामने ही ट्रेन ट्रैक बदलकर निकल जाती है। अगले दिन प्रेरणा टीवी न्यूज में देखती है कि कल वाली ट्रेन की भयानक दुर्घटना हो गई है और जैसा कि विक्रम ने कहा था उसमें बैठे सारे पैसेंजर्स इसमें मारे गए हैं। अब प्रेरणा को एहसास होता है कि उसके बॉयफ्रेंड के पास लोगों के भविष्य को जानने की अद्भुत शक्ति है। अब अगले दिन प्रेरणा भारी दिल से विक्रम के पास जाती है और उसे अपने भविष्य के बारे में बताने के लिए कहती है। उसका हाथ देखने के बाद विक्रम उसे बताता है कि न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है बल्कि तुम्हारी लव लाइफ भी उतनी ही खूबसूरत है और शादी के बाद तुम्हारे दो प्यारे जुड़वां बच्चे होंगे। लेकिन इससे पहले कि विक्रम अपनी बात पूरी करता एक खून की बूंद आकर विक्रम के हाथ पर गिरती है और प्रेरणा उसकी बाहों में गिरकर बेहोश हो जाती है। विक्रम उसे तुरंत हॉस्पिटल में लेकर जाता है जहां उसे उसके अंकल से पता चलता है कि प्रेरणा को एक बहुत ही दुर्लभ रोग है जिसका कोई इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है और अब उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीनों का वक्त बचा है। ये एक कड़वी सच्चाई थी लेकिन विक्रम उन्हें लगातार विश्वास दिलाने की कोशिश करता रहता है कि प्रेरणा बहुत लंबी जिंदगी जीने वाली है। अब वो बेड पर पड़ी प्रेरणा से कहता है कि उसकी भविष्यवाणी कभी भी गलत साबित नहीं हुई है और इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन उसके अंकल प्रेरणा को इस झूठे विश्वास में पड़ते देख परेशान हो जाते हैं और विक्रम को वो चिल्लाकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाने के लिए कहते हैं और प्रेरणा ये सब देखते हुए भी अपने प्यार को अपनी जिंदगी से दूर जाते हुए देखती रह जाती है। प्रेरणा को विश्वास नहीं था कि वो इतनी जल्दी मर सकती है। वो सारे हॉस्पिटल में अपनी बीमारी के इलाज के बारे में पता करती है लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिलता है। तभी अचानक उसके अंकल उसके पास आते हैं और उसे साइंस पर विश्वास करने के लिए कहते हैं, ना कि पाल मिस्ट्री जैसे अंधविश्वास पर।
लेकिन प्रेरणा को अभी भी विक्रम के कहे शब्दों पर विश्वास है, क्योंकि उसने उसकी भविष्यवाणियों को सच होते हुए देखा है। अब ये साबित करने के लिए कि विक्रम एक फ्रॉड है, अंकल उससे एक बार मिलने का निर्णय करते हैं। वो एक मुर्दा घर में जाते हैं और अलग अलग तरह से मरे हुए 5 लोगों के हाथों के निशान लेते हैं और उसे अपने हाथों के निशान के साथ मिला देते हैं। लेकिन उनकी सोच के विपरीत विक्रम जब उन हाथों को देखता है, वो न सिर्फ हर एक की मौत का कारण और समय बता देता है, बल्कि उसकी बताई हर एक जानकारी बिल्कुल सच थी। ये सब अपने सामने होते देख अंकल चुप रह जाते हैं। वो अपना सारा अहंकार छोड़कर विक्रम का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे गिड़गिड़ाते हुए पूछते हैं कि प्रेरणा बच तो जाएगी ना। लेकिन विक्रम उनसे कुछ भी बोले बिना उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर उन्हें विश्वास दिलाता है। अब ये सब जानकर प्रेरणा का विक्रम पर विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। विक्रम उसे अपने घर पर लेकर जाता है, तभी अचानक उसे विक्रम की डायरी वहाँ पड़ी मिलती है। उत्सुकतावश प्रेरणा उसे खोलकर देखती है और विक्रम और उसके बारे में उसमें लिखा सब कुछ पढ़ लेती है। तभी अचानक से विक्रम वहाँ आ जाता है और अपनी डायरी को अपने कोट की पॉकेट में रख लेता है। रात के खाने के बाद दोनों एक बेंच पर बैठते हैं। वो बगीचे के फूलों और चांद तारों का आनंद ले रहे होते हैं। ये देखकर कि प्रेरणा को ठंड लग रही है, विक्रम अपना कोट उतारकर प्रेरणा को पहना देता है। अब हिम्मत जुटाकर प्रेरणा विक्रम से अपने प्यार का इजहार कर देती है, लेकिन विक्रम उसे जवाब देता है कि वो इस शहर को छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी यहाँ लौटकर वापस नहीं आएगा। वो उसकी बातें सुनकर विक्रम से कहती है कि वो उसके साथ दुनिया के अंतिम छोर तक भी जाएगी। तभी विक्रम अपना हाथ दिखाते हुए उससे कहता है कि मेरे हाथों में प्यार की लकीर है ही नहीं, इसलिए अगर मैं तुम्हारे साथ जीने की कोशिश भी करूँ तो भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अब इस दुख को किसी तरह सहन करते हुए प्रेरणा रोते हुए घर लौट आती है और बाथटब में जाकर अपनी जिंदगी को खत्म करने का निर्णय लेती है, ताकि विक्रम ये जान सके कि भाग्य को बदला भी जा सकता है। प्रेरणा बाथटब में डूबकर मरने ही वाली थी कि तभी वो कुछ सोचकर अचानक से पानी से बाहर निकलती है। उसे कुछ याद आता है और वो जाकर नीचे पड़े कोट को उठाती है। वो उसमें से विक्रम की डायरी निकालकर पढ़ती है। उसे पता चलता है कि विक्रम उसे छोड़कर क्यों जाना चाहता है। दरअसल वो जानता था कि अगर वो दोनों एक साथ रहे तो दोनों में से कोई एक मारा जाएगा। ये पढ़ने के बाद प्रेरणा मन ही मन एक बड़ा निर्णय लेती है, लेकिन तभी उसके अंकल वहां आते हैं और उसे एक खुशखबरी सुनाते हैं। हॉस्पिटल ने उसकी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया था, लेकिन अपने अंकल के शब्दों को सुनकर भी प्रेरणा को कोई खुशी महसूस ही नहीं होती। विक्रम इस खुशी में प्रेरणा को एक बड़ी पार्टी देता है। वो दोनों देर तक नाचते हैं। प्रेरणा खुद को खुश दिखाने का दिखावा करती है, लेकिन अंदर से वो दुख से भरी थी। अब उस रात दोनों एक हो जाते हैं, लेकिन जब अगले दिन प्रेरणा जागती है, वो देखती है कि विक्रम उससे बहुत दूर जा चुका है। अपने अंकल के समझाने के बाद भी प्रेरणा उम्मीद नहीं छोड़ती और वो भाग्य से लड़ने के लिए निकल पड़ती है। वो सोचती है कि अगर विक्रम और उसमें से कोई एक ही जिएगा तो वो विक्रम होगा। वो स्टीयरिंग व्हील से अपने हाथ हटा लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, और तभी एक बड़ा ट्रक आकर उसकी कार को टक्कर मारता है और प्रेरणा को घायल कर जाता है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन अब उसने जीने की इच्छा छोड़ दी थी। वो डॉक्टर्स के साथ सहयोग नहीं कर रही थी। कोई और चारा न पाकर उसके अंकल विक्रम को फोन लगाते हैं। खबर सुनते ही विक्रम का दिल टूट जाता है। प्रेरणा अपने प्यार के लिए जिंदगी को छोड़कर जाने ही वाली थी। वो अंकल से फोन को माइक के पास रखने के लिए कहता है। अब इस जानी पहचानी सी आवाज को सुनकर बेहोश पड़ी प्रेरणा अचानक प्रतिक्रिया देने लगती है। विक्रम की आवाज प्रेरणा को मौत के कगार से बाहर निकाल लाती है। अब प्रेरणा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। उधर विक्रम तेजी से तट की ओर भागता है, लेकिन शिप किनारा छोड़कर निकल चुका था। वो एक लंबी छलांग लगाता है और किसी तरह शिप पर चढ़ने में सफल हो जाता है, लेकिन भगवान उसको प्रेरणा से मिलने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। अचानक से समंदर में एक बड़ा तूफान आता है। शिप का क्रू मुसीबत से निपटने की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन इतने बड़े तूफान के आगे सारी कोशिशें बेकार थीं। जल्दी ही शिप के सभी कंट्रोल सिस्टम बंद पड़ने लगते हैं। हर कोई बचने के लिए लाइफ बोट का सहारा लेने लग जाता है, लेकिन विक्रम पीछे रह जाता है। लेकिन वो हिम्मत हारने से इनकार करता है, क्योंकि वो जानता था कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो अभी भी उसका इंतजार ही कर रही है। और आखिरी पलों में विक्रम शिप के शिखर पर आने में कामयाब हो जाता है और मदद के लिए सिग्नल भेजता है। अब लहरों के वार से विक्रम बहकर नीचे चला जाता है और उसके सर पर गंभीर चोट लग जाती है। विक्रम के बेहोश होने से एक पल पहले प्रेरणा, जो ऑपरेशन थिएटर में पड़ी थी, धीरे से अपनी आंखें खोलती हैं, जैसे उसने सब कुछ देख लिया था जो कुछ भी विक्रम के साथ वहां घट रहा था। लेकिन जैसे ही उसके आंखों से आंसू छलकते हैं, विक्रम जागता है और तेजी से सतह की ओर तैरकर ऊपर आ जाता है। अब विक्रम एक बॉक्स से लटकती रस्सी को अपने हाथों पर लपेट लेता है और सामने से आती हुई तूफान की ऊंची लहरों का सामना करने के लिए उसे बाहुबली की तरह ललकारता है। अब जैसे ही अगली सुबह होती है, प्रेरणा को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जाता है। उसकी आंखों से वो पहले वाली चमक खो चुकी।
चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ एक लहूलुहान आदमी की एंट्री होती है। ये ऐसे था कि चाहे भाग्य उन्हें दूर करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो उनके दिलों को एक दूसरे से मिलने से नहीं रोक सकता। इतना गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद विक्रम प्रेरणा को एक गुलाब का फूल देने में सफल हो जाता है। अगर ये लव स्टोरी और ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और तेज सिनेमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।